आखिरी बात मैडम, एक छोटा सा सवाल ये है, WHO ने उनकी डॉक्टर पालिथिया ने आपके नाम बराह रास्त खत लिखा, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान खसूसन पंजाब में जो मस्बत केसों की तादाद जो आपने फरमाया 40,000 से तजावज हो गई है, पंजाब में अमवात भी 700 से जायद हो गई है, उन्होंने हक में ये लिखा है कि पंजाब में SOPs पर सीरियसली अमल दरामद नहीं हो रहा, हकूमत पंजाब महीने में कम से कम 2 हफ्ते मुकम्मल लॉकडाउन करे, रोजाना कम से कम 50,000 टेस्ट करे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया 9,000 तकरीबन टेस्ट रोजाना हो रहे हैं, क्या WHO की इन रिकमेंडेशन पर हम गौर करके मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, या आवाम से कहेंगे तो SOPs पर अमल करें और ये मस्बत केसों की तादाद और अमवात कम हो सके? जी मैम। अच्छा, अब आपकी आपका आखिरी सवाल है क्योंकि बाकियों ने भी पूछना है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो ये लेटर है, एक WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है जो हम सारे पाकिस्तान के लिए आई है, हमारे लिए अकेलों के लिए नहीं आई। पंजाब के अंदर मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ कि तादाद बढ़ रही है और कोई फिगर आपसे छुपाई नहीं जा रही, नंबर ऑफ़ टेस्टों की तादाद कहाँ से कहाँ पहुँची, जहाँ 1200 करते थे आज अल्हम्दुलिल्लाह 9,000 से 10,000 टेस्ट हो रहे हैं। अहम चीज़ है कि उन्होंने ये बात कही है कि SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन करवाइए, अहम चीज़ ये है। ये ऑलरेडी डिस्कशन हो गई है, चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी आखिरी मीटिंग में सख्ती से कहा है कि जहां SOPs की वायलेशन हो इमीडिएट एक्शन लिया जाए ताकि SOPs प्रॉपरली वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस की जाएं, और अगर लोगों ने SOPs नहीं प्रैक्टिस की तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन ली जाएगी। ये मुसलसल देखें ना, इस वक्त जो सिचुएशन है, WHO जो मर्ज़ी कहे, इस वक्त हमारे पास जो सिचुएशन आपके सामने पेश की है उसमें हम इस वक्त मरीज़ों का भी इलाज कर सकते हैं। लॉकडाउन का मकसद ये होता है कि ये ना हो कि हमारे हॉस्पिटल्स फ्लड हो जाएं, हमारे पास सहूलत ख़त्म हो जाए। हमने जो अपना कंटिजेंसी प्लान बनाया हुआ है, जिसपे मैं बड़ी मशकूर हूँ, अपने मेरे साथ जो बैठे हुए सारे मेरे साथी, इन लोगों ने बाकायदा हर हॉस्पिटल का अगले हफ्ते तक मज़ीद 500 बेड्स का एक्सपेंशन हो जाएगा, मतलब अगले 10-15 दिनों के अंदर। अभी भी हमारे पास कैपेसिटी है और अगले 10-15 दिनों में हम कैपेसिटी बढ़ा देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल यू हैव टू लुक आफ्टर द पेशेंट्स। जो उन्होंने कही है बात वो बिल्कुल ठीक कही है, गवर्नमेंट इसके ऊपर कंसिडर करेगी, और ये बात तो ऑलरेडी सोची गई है कि जिन इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया केसेस तो वो शायद इलाके जो हैं उनका लॉकडाउन करना पड़ेगा, बट दिस इज़ अ डिसीजन विच विल बी टेकन बाय द कैबिनेट कमेटी, उनके सामने ये लेटर जो है पेश कर देंगे। जी।